नमस्कार, मैं श्रुति सेठ आपका कॉमेडी सर्कस न्यूज बुलेटिन में स्वागत करती हूं। आज की खास खबरें। कॉमेडी सर्कस बड़ी तूफानी तेज रफ्तार से अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन की हवाएं कातिलाना होती जा रही हैं। कॉमेडी सर्कस के रिंग मास्टर्स ने यह भी घोषणा की है कि पिछले हफ्ते से शुरू हुआ डबल राउंड का डबल धमाका आज भी जारी रहेगा, और आज न्यूज राउंड के साथ साथ होगा दूसरा राउंड, और वो है शायरी राउंड। और अब मौसम की जानकारी। आज की लड़ाई का मौसम कैसा रहेगा ये बताएंगे हमारे तीन महारथी जजेस। जी हाँ, तालियों से स्वागत कीजिए अर्चना पूरन सिंह, सतीश शाह एंड जॉनी लीवर का। तो शुरू करते हैं आज का पहला राउंड, न्यूज फिल धमाका। आज कल जो न्यूज में छाई हुई है वो है दिल्ली की ब्लू लाइन बसेस। दिल्ली की प्राइवेट ब्लू लाइन बसेस एक्सीडेंट्स करने के लिए काफी मशहूर हैं। भाई कहीं रीजन वही तो नहीं जो डेंजरस ड्राइवर काशिफ न्यूज रिपोर्टर अली को इंटरव्यू में बता रहे हैं। प्रेजेंटिंग द यारी टूटेना जोड़ी, अली एंड काशिफ। नजर हटी दुर्घटना घटी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये क्या है भाई, ये लाइट कैसे गिर गया? लगा नहीं मतलब क्या, ऊपर आगे लगाऊं क्या? माफी चाहता हूं। नजर हटी दुर्घटना घटी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली शहर में आजकल दुर्घटनाएं बढ़ गई है। जी हां, कल ही हुई एक बस दुर्घटना में सारे यात्री शहीद हो गए सिवाय उसका ड्राइवर। जी हां, 11 चौकी के पुलिस जिस बस ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं उसे हमने ढूंढ निकाला सिर्फ आपके लिए। तो पेश है वो अंधाधुंध बस का ड्राइवर आपके सामने। मैं आ रहा हूँ क्या? सही सही ले जाना, सही सही। आइए 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 आइए, यहाँ रुक जाइए। आप बस चलाते हैं? वो हम ही चला सकते हैं जी, और किसी की मजा ले जो चलाए। ट्रैफिक देखी आपने, आंखों वालों का काम है बस चलाना। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब आप बस चलाते हैं तो आपको कोई रोकता नहीं? बहुत लोग रोकते हैं जी, जो रोकता बिठा लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब है ट्रैफिक पुलिस वालों से। वो भी रोकते हैं जी, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। ऐसे ही छोड़ देते? ओ नहीं जी, पहले हम कुछ छोड़ते हैं फिर वो हमें छोड़ देते हैं। सनसनीखेज खुलासा, भ्रष्टाचार ट्रैफिक पुलिस वालों में कैंसर की तरह समा चुका है। ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे लाचार मजलूम अंधे से भी रिश्वत लेने से नहीं चुकते। ये था हमारा सनसनीखेज खुलासा सिर्फ आपके लिए। ये बताइए आप कि आप स्पीड में बस क्यों चलाते? ओ जी, सवाब की खातिर जी, ऊपर वाला खुश होता है। हैं? स्पीड में बस चलाते तो ऊपर वाला कैसे खुश होता है? ओ जी, इधर हम एक्सीलेटर दबाते हैं, दो तीन ओवरटेक करते हैं, तीन चार सिग्नल तोड़ते हैं, सारे पैसेंजर ऊपर वाले का नाम लेने लगते हैं, तो सवाब का काम है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको बस चलाए कितने साल हो गए, मतलब कितने सालों से आप बस चला रहे हैं? मैं जी पूरे 10 साल से बस चला रहा हूँ जी। 10 साल हो गए आपको बस चलाए हुए, आपने तरक्की नहीं की? ओ जी, मेरी वजह से मेरे छोटे भाई ने बड़ी तरक्की की है जी। कैसे? वो पहले एक सरकारी अस्पताल में हड्डी वार्ड में मुलाजिम था, आजकल उसका हड्डियों का अपना अस्पताल है जी, अंधाधुन ऑपरेशन करता है, अंधाधुन ऑपरेशन। अच्छा ये बताइए कि आप कितने भाई बहन हैं? हम जी 10 बहन भाई हैं जी। 10 बहन भाई हैं? आपके अब्बा क्या करते हैं? अब कुछ नहीं करते। मेरा मतलब है आपके अब्बा काम क्या करते हैं? वो जी रोजाना 100-150 भूखों को खाना खिलाते हैं जी। अच्छा, मतलब सोशल वर्कर है? ओ नहीं जी, होटल में वेटर है। एक और सनसनीखेज खुलासा, ये मजलूम लाचार अंधा बस ड्राइवर, इसका बाप गरीब मासूम एक वेटर है। अच्छा ये बताइए कि आपके जो बचे भाई बहन है वो तो ठीक है? देखिए जी, दो तो हमें जी अंधाधुन ब्रदर्स है, एक मेरा और भाई है जी, वो सुन नहीं सकता है, वो बिजली के डिपार्टमेंट में होता है जी, कंप्लेने लिखता है लोगों की। एक मेरा और भाई है जी, उसकी दूर की नजर कमजोर है। दूर की नजर? वो हिलाल कमेटी में होता है, चांद देख के बताता है ईद कब होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मेरा और भाई है जी, हाँ? वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। वो कहाँ है? वो जी पुलिस कमिश्नर है जी दिल्ली में। फुल
एंड फाइनल सनसनीखेज खुलासा, ये मजलूम लाचार दरिंदा खूनी बस ड्राइवर का भाई एक पुलिस कमिश्नर है। जी हाँ, आज ये बात साबित हो गई है कि कानून सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि गुंगा और भैरा भी है। आज के लिए हमारी खबरें सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हमारा अगला प्रोग्राम जरूर देखिए, नजरें हटी पैंट फटी, जिसकी होस्ट है श्रुति। देखते हैं हमारे जजेस क्या मार्क्स देते हैं सिर्फ आपके लिए। तो बताइए अर्चना। काशिफ, आप मुझे देख रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। काशिफ, वो लड़की कहाँ गई? वो ब्यूटीफुल दो औरतें जिन्हें पिछले एपिसोड में मैं पागल हो गई थी, जिनकी कहाँ गई? उतार दिया इसने। वैसे आई होप लोगों को बिल्कुल ये ना लगे कि हम लोग आप लोग मतलब यू आर इनडिफरेंट और कैलस, लेकिन ये खाली मजाक है ऑब्वियसली, जैसा आपने किया है ना, एंड इट्स मेंट टू बी टेकन इन द राइट स्पिरिट। और जिस स्पिरिट में मैं आपको मार्क्स दूंगी वो भी राइट स्पिरिट ही होगी। आई लव योर एनर्जी, आई लव योर स्टाइल, आई लव योर प्रेजेंटेशन। थोड़े पंचेस मुझे कम लगे, फिर भी आई विल गिव यू 9 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। सतीश जी, आई कंसिडर दिस अ ब्लैक कॉमेडी जिसमें सब जायज है। आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया है और फ्लुएंसी तो आप दोनों की माशाल्लाह कमाल की है ही। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जोक्स और पंचेज आपके सारे ओरिजिनल थे और ऐसा लगता था कि इसके पीछे मेहनत की गई है बनाने में और रिहर्सल भी काफ़ी डट के की गई है। मैं तो आपको भैया 10 दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जॉनी भाई, अरे भाई साहब, शहर में देश में इतना अंधापन चल रहा है, इतना अंधापन चल रहा है कि भाई साहब मैं क्यों आगे खुला रख के जीऊँ भाई, इसलिए मैं भी अंधा हो गया। भाई साहब जरा ढूंढ के देखता हूँ क्या दूँ आपको। भाई साहब बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना भाई साहब, ये कहाँ से ला रहे हो? यही दे रहा हूँ भाई साहब, ले लीजिए भाई साहब, अच्छा लगेगा। हाँ भाई साहब, थैंक यू। अरे श्रुति, अभी निकालो ये सनसनीखेज, जल्दी से दूसरे को भेज। आज जो रिपोर्टर्स हैं वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं, ये रिपोर्टर भी कुछ कम नहीं है। ये चोरी करते हुए चोर का भी इंटरव्यू ले लेते हैं। देखिए इसका लाइव टेलीकास्ट, प्रेजेंटिंग रिपोर्टर उर्वशी इन एन इंटरव्यू विद चोर शकी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी, फसाद की जड़। मैं गपशप टीवी से बोल रही हूँ और सिर्फ यहाँ आप लोगों के लिए आई हूँ एक खास इंटरव्यू करने, वो भी एक खास चोर के साथ। मैं तो आ गई हूँ, चोर कहाँ रह गया? लगता है उसकी बेल नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश समझती हैं? जी, मैं हिंदी में बात करता हूँ। वो जो गाना ना हायो अब्बा, उसी रब्बा के पास मेरा अब्बा है, तो डायरेक्ट बातचीत चल रही है। लगता है आपने जरूर कोई चोरी की होगी और आपको पुलिस ने बहुत मारा होगा। मारा पुलिस नहीं है, चोरी पे नहीं मारा है। तो फिर आप हमें वजह बताएं कि आपको पुलिस ने क्यों मारा। मैं पागल तो नहीं है, पुलिस को कोई वजह चाहिए होता मारने के लिए? वो तो बिला वजह सबाब समझ के मारते हैं वो तो। जी जी, पहले 1.5 घंटा मारते हैं, फिर साहब से पूछो, साहब कसूर तो बताओ, हम तो मार मार के थक गए। फिर साहब कसूर बताता है, फिर 3 घंटे और मारते हैं। कहते तो वो टेलर था, फिल्म अब चल रही है बेटा, जितने भी जूते वो पहन के आते ना पुलिस वाले, उसकी सारी रनिंग मेरे पे पूरी की उन्होंने। कुछ देख रही, एक तरफ एक चश्मा बना दिया उन्होंने, मैंने कहा दूसरा बना दो, तेरे पहले तेरे बाप के नौकर अगली दफा आना। अच्छा। इतना मारा है, अब सिगरेट पी रहा हूँ ना तो धुआं मुंह से निकल रहा है, बताओ। धुआं तो मुंह से ही निकलेगा। हाँ, जाहिर उसको जगह नहीं मिलती है ना। बहुत हमारा, बताता हूँ हुआ क्या। जी, मैं चोरी पे नहीं पीटा हूँ, मैं तो एक फंक्शन में चला गया। ओके। वहाँ एक महान कलाकारा थी, फिल्मों में गाती थी। वाह। वो गाना गाने आई, कहने लगी मैं आपको वो गाना सुनाएंगी जो बहुत हिट हुआ था और मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे पेट में था और गाना बहुत हिट हुआ था। जी। फिर उसके बाद वो हुआ, दूसरा गाना गाने के लिए अब मैं वो सुनाऊंगी, वो भी बड़ा हिट हुआ था, मेरा छोटा बेटा पेट में था। तीसरा आई, मेरी बेटी पेट में ना चढ़ गया, मैंने कहा बहन कभी खाली पेट भी गा लिया कर। जी जी, बताओ इसमें कोई मारने वाली बात थी? मैंने तो सजेशन दी थी। जी देखिए, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ,
हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। खबरदार, थाने से आने के बाद किसी को बैठने का नहीं कहना। क्या मतलब? अबे वो तशरीफ पे ही मारते हैं। खुदा की कसम, पहले ने एक ने आके तशरीफ पे मारा, मैंने कहा चलो गलती से लग गई होगी। कमीना फिर आया, फिर तशरीफ पे, मैंने कहा चलो वंस मोर गलती। तीसरी दफा आया, फिर वही, मैंने कहा अबे तेरा निशाना पक्का नहीं हो गया? जी जी। फिर गया, चौथी दफा फिर आया, फिर मारा, मैंने कहा यार तेरा तो दिल ही लग गया यहाँ पे। बाबा सुझा दिया है, लोग मुझसे कह रहे हैं बहुत मुबारक हो, पीछे से मोटे हो रहे हो। जी ए, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना पहला जुर्म कब किया? ये अच्छा सवाल है, दूसरा पूछो। चलो बता देता हूँ, पहला जुर्म मैंने जब किया जब मैं पैदा हुआ था। क्या मतलब? पैदा होते ही दाई की जेब काट ली। अच्छा? दाई ने पैसे भी नहीं लिए अम्मा से। क्यों? जैसे ही मैं पैदा हुआ ना, दाई मेरी तरफ देख रही थी, मैंने आँख मार दी, दाई शर्मा गई। अम्मा ने पूछा भाई फीस बताओ, कहने छोड़ो ना, सास से पैसे लेते हुए अच्छी लगूंगी। तो इसका मतलब है जब आपने अपना पहला जुर्म किया आप 2 मिनट के थे। एक्सक्यूज मी, उम्र सही बताओ। 2 मिनट 17 सेकंड। 2 मिनट में तो आंख खुली थी मेरी, 17 सेकंड में वारदात की थी मैंने। ओके। फिर बताइए, और बताइए मुझे, और बताइए कि आपने जेब काटना क्यों छोड़ दिया? बस ये भी एक वाकया है, हुआ ही हूँ। एक दफा एक आदमी खड़ा हुआ था, काला। जी काला समझती हैं? ऐसा। अच्छा। सफेद पैंट शर्ट पहन के, उसका बटवा झांक रहा था पीछे से काले रंग का। जी। सफेद पैंट से। जी। मेरे नजर पड़ी बटवे की, बटवे की नजर मुझ पे, हम दोनों की नजरें मिली, मेरे मुंह से पानी निकला, मैंने ब्लेड निकाला है, ब्लेड मैंने मारा बटवे पे। जी। खून का फुवारा निकला है। एक मिनट, आपने कहा आपने बटवे पर ब्लेड मारा तो फिर खून कैसे निकला? बस वही गलती हो गई ना, मैं समझा बटवा है, बटवा नहीं था, उसकी पैंट फटी हुई थी, कुछ और था वो। ये चोर साहब, ये न्यूज चैनल है। अभी अभी चोरी करके आ रहा हूँ घर से। कहाँ से बताइए? फारिग नहीं बैठता। हाँ। पीला घर है, काले रंग का दरवाजा है, नीला गेट है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, खुलती बाहर को, अंदर से बंद हो जाती हैं। हीरे की हाथ चोरी करके ला रहा हूँ, पता नहीं घर का नंबर क्या है। मैं बताती हूँ। हाँ। 417। क्यों? क्योंकि वो मेरा घर है, ठहरो अभी मैं पुलिस। अरे यही तो बताने आया था, मैं अंदर कूदा नहीं, वहाँ पड़ा था, तुम्हें देने आया हूँ भाई। आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है, तो मैं तुम्हें पीछे देखती हूँ। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट। आप खोल लूँ? उर्वशी एंड शकील, आप जानना चाहेंगे कि हमारे जजेस को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? एक मिनट। नहीं श्रुति जी, प्लीज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप लोग मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। नहीं, मैं तो एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं इनफैक्ट इस छोर भाई से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज आज बताइए ना श्रुति जी कैसी लग रही हैं इनके कपड़ों में। बोलने दो, ये जुर्म है। इन कपड़ों में आज तो कॉकटेल बनी हुई है ये। पूछो कॉकटेल कैसे? बताइए। ऊपर से शरबत का गिलास, नीचे से लस्सी का गिलास। आराम आया। सतीश जी, मैं शकील मियां आपकी आपकी जो जुबान है ना, उसका लुत्फ उठा रहा था कि ये कौन से नए तरकश में से तीर निकाल के आप फेंक रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। एंड उर्वशी, एज इट इज यू आर द सपोर्टिंग आर्टिस्ट टुडे, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें और ये सपोर्टिंग आर्टिस्ट बने। मैं कब से रुका, मैं वही करने वाली हूँ, रुक जाइए। हाँ, अगले इंशाल्लाह आप अगले राउंड में जरूर दिखेंगे हमें। फिर भी मैं आपको 8 दूंगा। उर्वशी, वाकई में मेरी शकील के चेहरे से नज़र नहीं उठ रही थी, हालांकि मुझे लगा तुम लोगों ने इतना एक पीक पे ले गए हमें, वेयर वी वर लाफिंग अनकंट्रोलेबली, उसके बाद एक वैली आई, काफ़ी लंबी वैली आई, जहां से आप लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो शकील मुझे वहां पर एक ड्रॉप ज़रूर लगा, बट उसके लिए दो फ्यू मोमेंट्स दैट यू गेव अस, जहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आई विल गिव यू 9। शकील भाई, आपने कमाल किया भाई, माइंड ब्लोइंग। उर्वशी जी, थैंक यू सर, थोड़ी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी है? कुछ पंचेस तो ऐसा उठा के मारा है आपने, सोच के बाहर। मैं 10 देता मगर 9 दे रहा हूँ।
उर्वशी और शकील को जजेस ने दिए 26 पॉइंट्स, बट दिस इज नॉट देयर फाइनल स्कोर. एपिसोड का राउंड टू बाकी है, जो कि है शायरी राउंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. भाई, न्यूज इज अ वेरी सीरियस बिजनेस क्योंकि इट रिपोर्ट्स अ फैक्ट. लेकिन किरण जैसा स्टूडियो न्यूज रीडर हो और सुनील जैसा फील्ड रिपोर्टर, तो नो मोर रिपोर्टिंग अ फैक्ट, इट्स क्रिएटिंग अ फैक्ट. आज ये दोनों लगे पड़े हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट करने में. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्टूडियो न्यूज रीडर किरण एंड हिज फील्ड रिपोर्टर सुनील सावरा. सुनील, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. सुनील, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. हाँ बिल्कुल, आपने कहा सही कहा आपने. अच्छा सुनील, तो बताइए वहाँ के हाल क्या है? जी, हाल बहुत खराब है. कल से मैंने भूख कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत लगी है. रात को सोया तो मच्छर काट लिए मुझे. सुनील, मैं आपको वहाँ के हाल पूछ रहा हूँ. आलमपुर में जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसके बारे में आप जरा सुनील सुन रहे ना? हाँ, तो आलमपुर के दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के बारे में आप हमें जरा बताइए. हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नजारा है यहाँ पर, काफी अच्छी हरियाली है यहाँ पर और काफी अच्छे लोग हैं यहाँ पर. सुनील, हाँ, ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में जरा बताइए. अच्छा, ट्रेन का एक्सीडेंट मैं आपको बता रहा हूँ किरण जी की. ये देखो, मेरे बगल में राजधानी एक्सप्रेस पड़ी हुई है. सुनील, ट्रेन पलटी हुई होगी, पड़ी हुई कि नहीं? हाँ वही पलटी हुई है. हाँ भैया, और मैं देख रहा हूँ कि अंदर कुछ लोग घायल, कुछ उल्टे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. एक मिनट सुनील, उल्टे नहीं, वो पड़े होंगे वहां पर. हाँ वही यार, मेरा माथा मत खराब करो. उल्टा पड़ा, खुद तो स्टूडियो में बैठे हो. सुनील, जरा किसी घायल से बात करवाइए हमारी. घायल से? हाँ अभी बात करवाता हूँ मैं घायल से. कैमरामैन, थोड़ा कैमरा उधर दिखाना, वो जो गाड़ी का एक्सीडेंट उसका दृश्य दिखाना. अभी मैं घायल से बात करवाता हूँ आपकी. आई भाई साहब. सुनील, हाँ हेलो, आप इधर आओ. अच्छा, हाँ हेलो, आप घायल कैसे हुए हैं? जी आपने ये बहुत घायल है, बोल पाने की स्थिति में नहीं है, काफी घायल हो गए हैं ये. हाँ किरण जी. सुनील, वहाँ के गांव के सरपंच से बात करवाना जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है. सरपंच से बात करवाता हूँ मैं. सरपंच, इस गांव का कोई सरपंच है? हाँ जी, मैं सरपंच हूँ. अच्छा, आप सरपंच हैं? जी जी जी. तो ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ आपके गांव में, आपको कैसा लग रहा है? अरे हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है. हमने कितने साल से मोर्चा निकालते रहे हैं कि हमारे स्टेशन के यहाँ पर ये राजधानी रोकिए. हाँ. राजधानी रोकिए, आज जाके रुकी है, अब हिलने का नाम नहीं ले रही है. हम तो बहुत खुश हो गए. हमने तो गाँव में ऐलान कर दिया है कि इसको आज राजधानी दिवस मनाएंगे. किरण जी, जैसे कि आप देख रहे हैं गाँव में बड़ा खुशनुमा माहौल है, राजधानी दिवस मनाने की बात बोल रहे हैं. मैं भी बोल रहा हूँ राजधानी जिंदाबाद. सुनील, यहाँ हेलो, हमारे पास एक नई ब्रेकिंग न्यूज आई है. सुनील किरण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा. अभी मुझे सचमुच एक घायल मिला है, क्या मैं उससे बात करवाऊं? अरे उस घायल को मारो गोली. पहले सुनिए, हमारे पास एक नई ब्रेकिंग न्यूज है. ऋतिक रोशन के कुतिया को बच्चे हुए हैं. अच्छा, और उसमें शाहरुख का हाथ है. शाहरुख का हाथ है? हाँ, उसने अपने कुत्ते को उसके बंगले पर छोड़ दिया था. तो अब हम वहाँ पे चलते हैं. तुम जल्दी से फटाफट वो निपटा के, वो घायल वालों को मारो गोली और निपटा के यहाँ चले आना. यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है. हम देखेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद कि ऋतिक रोशन के घर पे कुतिया ने कैसे जन्म दिया है बच्चों को. मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू. अभी ब्रेक के बाद नहीं मिलेंगे, मैं भी नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ. तो जजेस बताइए. आप ही बताइए, मैं क्या बताऊँ. काफ़ी दचके थे इस बार. आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू सो मेनी एज आई वुड विश टू. मैं आपको साथ दूंगा. 7 पॉइंट्स. थैंक यू. बहुत इसमें वैरायटी थी, यहाँ से वहाँ बात करने वाला. मगर पंचेस का वही मामला है, ज़्यादा पंचेस वर्क नहीं कि आपको खुद को मालूम है. नहीं बिल्कुल, है ना? और मैं आप लोगों को 8 दूंगा भाई. थैंक यू सर. किरण और सुनील, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ. And halaki you've given such brilliant performances in the past, last few episodes, itne mind-blowing performances aapne diye, so I'm really disappointed. I know it's always heartbreaking to be given marks which are not of your liking, but I'll give you 6. 6 points. Thank you, Sunil. Thank you, Kira. Thank you. Is decade ki taza khabar. Finally, hamari film industry mein aurton aur mardon ko equality mil hi gayi hai. तभी तो यहाँ मेल कास्टिंग काउचेस एंड फीमेल कास्टिंग काउचेस दोनों ही हैं. देखते हैं स्वप्निल और वीआईपी इन अ यूनिक पैनल डिस्कशन ऑन द कास्टिंग काउच. सो वेलकम द थर्ड न्यूज मेकर्स ऑफ द इवनिंग, स्वप्निल एंड वीआईपी. शटर अप.
नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं पंकज कचौड़ी। कार्यक्रम इनसाइड आउट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शक्ति कपूर साहब और इनके साथ हम करेंगे कास्टिंग काउच। आउच पर बातें। Nonsense. आप पे तो सबसे बड़ा इल्जाम है शक्ति जी। ये सरासर झूठ है। मेरी शक्ल देखिए, मैं कैसा लगता हूँ? मैं तो छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा बच्चा हूँ। यह तो पुराने जमाने में हुआ करता था। आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहिए। आपने कहा कि यह सब पुराने जमाने में हुआ करता था। चलते हैं पुराने जमाने के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार जी के पास। नमस्ते राजेंद्र कुमार जी, आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये हमारे जमाने में नहीं हुआ करता था। हमारे जमाने में साफ सुथरी फिल्में बना करती थी, एक्टिंग हुआ करती थी, एक्टिंग। तो आपने कभी क्यों नहीं की? ये बात और है, सवाल कास्टिंग काउच का है। चलिए चलिए, आपसे बाद में बात करते हैं, आपसे बाद में बात करते हैं। हम बात करते हैं धर्म जी से, जो पंजाब में। धर्म जी, कुत्ते में तेरा खून पीजूंगा। हम धर्म जी से बात नहीं करते, संपर्क कट गया। हम बात करते हैं एक ऐसे आदमी से जो इंडस्ट्री में तब से चले आ रहे हैं जब से चलचित्र भी नहीं चल रहे थे, एके हंगल साहब से। हंगल साहब, आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? ये सवाल तो शक्ति से पूछो, शक्ति कपूर से। अरे मेरी तो जिंदगी में सन्नाटा ही सन्नाटा है भाई। खैर, आपके पास बाद में आते हैं। हम चलते हैं एक ऐसे आदमी के पास जो भारत माँ पे फिल्में बनाता है, मनोज कुमार जी। हेलो मनोज कुमार जी। हेलो मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, हेलो मनोज कुमार जी, आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कास्टिंग काउच हमारी देश की औरतें माँ है, बहन है, बेटी है। इस वक्त आपके बगल में कौन बेटी है? चलिए 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 चलिए, आपसे बाद में बात करते हैं। जय हिंद जय भारत। अब हम चलते हैं पुराने जमाने के फेमस विलन अजीत साहब के पास। अजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। अजीत साहब, आपके साथ हर फिल्म में मोना नाम की एक लड़की हुआ करती थी, तो क्या आप और मोना? स्मार्ट बॉय। हमें मोना बहुत पसंद थी और मोना को सोना। अजीत साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? इसका मतलब ही नहीं कि हम तो यू ही कहना चाहते थे, सोना मतलब गोल्ड, अदरवाइज फॉर मोना आई एम वेरी ओल्ड। अजीत साहब, चलिए चलिए, आपसे बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, आपने ओल्ड कहा, एक ऐसे एक्टर से जो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है, सदाबहार देव साहब से। तू ओल्ड, तेरा बाप ओल्ड, तेरा खानदान ओल्ड, मैं तो अभी जवान हूँ। हेलो देव साहब, हिलना बंद कीजिए, आप कैमरे में आ नहीं रहे। हिलना बंद कीजिए आप। या मुझे बताइए कि आप जो ये फिल्में बना रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे एक ही मकसद है और वो मकसद है कास्टिंग काउच। सब झूठ है, नॉटी 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 नॉटी। खैर चलिए देव साहब, आपके पास बाद में आते हैं एक ऐसा। हेलो देवी और सज्जनों, हमारे साथ शो पे हैं भारत के रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव साहब। लालू जी। जय राम जी की। लालू जी, मैं पंकज कचौड़ी। हमें कचौड़ी पसंद नहीं, हम रबड़ी से काम चला रहा। लालू जी, मैं पंकज कचौड़ी इनसाइड आउट प्रोग्राम से। आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कास्टिंग काउच काउच, देखो भाई, हम भैंस पालता हूँ, बफेलो। एक एक बफेलो को पूछ लीजिएगा हमारा करेक्टर के बारे में। मिश्रा, कास्टिंग काउच का होता है? हाँ? रख सचुरा फोन, रख रख, हमरे से बात मत कर, शक्ति कपूर से बात कर, फोन में घुस के मारेंगे। लालू जी से हमारा संपर्क टूट जाएगा। शक्ति जी, आपने देखा कुछ लोगों ने खुलेआम आपका नाम लिया, अब क्या आप कास्टिंग काउच के बारे में अपना बयान बदलना चाहेंगे? मैं तो अभी यही कहूंगा, ये सरासर झूठ है। मैंने तो संस्था खोल के रखी है, किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आए। मैं संस्था का सेक्रेटरी हूँ और हमारे प्रेसिडेंट है जोगेंद्र जी। मैं कहा किधर है लड़की?
कहाँ है लड़की? हेलो हाय मेरे पास ला। हेलो और मैं सबकी तकलीफ दूँ। हेलो हेलो जोगिंदर जी स्टूडियो में आ गए। हेलो अर्चना जी को छुपाओ, श्रुति भागो, उर्वशी का, अरे उर्वशी से तो ये डरेंगे। शटल डाउन करो, शटल डाउन। Well, I have to say कि आप दोनों को कोई कास्टिंग काउच की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। You will win purely because of your talent. Let's see what our judges have to say. स्वप्निल और VIP. मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो detractors हैं वो ये कहेंगे कि आप हमेशा mimicry करते हैं, तो उसके लिए मैं आपकी तरफ से जवाब ये देना चाहूँगी कि आप mimicry ज़रूर करते हैं, ऑलमोस्ट हर आइटम में करते हैं, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो why are you not allowed to use that strength? आपने इस एक्ट में ये मिमिक्री इस तरह से इस्तेमाल की है, इट इज सो वेल इंटीग्रेटेड इन टू योर आइटम। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन, लिटिल जेनरस बट आई थिंक यू डू डिजर्व। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर थैंक यू सो मच अर्जुन जी। मैं ये कहना चाहूंगा VIP खास करके, स्वप्निल यू हैव योर ओन स्टाइल एंड VIP ऑफ कोर्स इज टू गुड, वेरी गुड इन हिज मिमिक्री। तो मैं जब भी आप किसी एक्टर की मिमिक्री करना शुरू करते हैं तो मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं और मैं बड़ा अटेंटिवली सुनने लगता हूँ। आज मुझे ऐसा लगा कि 2-3 आवाज़ें आपने शायद सही नहीं निकाली, यानी जितनी अच्छी आप निकाल सकते हैं मुझे वहाँ पर ज़रा वीकनेस आपकी लगी, वरना मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। और आपने जिस तरह इनकॉर्पोरेट किया सारी चीज़ों को, इट वॉज वेरी गुड। थैंक यू, बट आई फील दैट यू कुड हैव डन बेटर। I'll give you 9. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन जिन एक्टरों को आपने यूज़ किया, परफेक्ट जगह कहाँ कितना यूज़ करना है वो थैंक यू जॉनी, बखूबी आपने निभाया, बहुत अच्छा उसको यूज़ किया। थैंक यू जॉनी, वेरी गुड, बढ़िया, कहीं झोल नहीं था, बहुत अच्छा। लेकिन एक आध जगह थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैं भी 9 दूंगा आपको। 9 points। थैंक यू सो मच जॉनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Swapnil. Thank you, VIP. Thank you, Shruti. Thank you, judges. Thank you, studio audience. Thank you very much. Thank you. Thank you. News reporting ke is naye andaaz ko judges ne kaise ranking di? Chaliye dekhte hain. Ali and Kashif leading with 29 points. Swapnil and VIP with 28 points. Urvashi and Shakil with 26 points. And last we have Kiran and Sunil with 21 points. Lekin, abhi ye positions final nahi hain, क्योंकि ऑडियंस के मार्क्स जोड़ना बाकी है और बाकी है हमारा सेकंड राउंड। सो वन मोर चांस टू गेन ऑन द लॉस्ट ग्राउंड। आप सबका अटेंशन, शायरी राउंड है आज का अगला अट्रैक्शन। मैं बुलाने जा रही हूं अपनी पहली जोड़ी को। जब जब काशिफ कसाई को जोर से शायरी आती है तो कोई नाजुक सी हसीना, बेशक 40 साल की क्यों ना हो, अक्सर फंस जाती है। आज किस्मत ने पलटा खाया और हसीना की जगह पे मासूम अली को उसकी दुकान पर भिजवाया। चलिए देखते हैं कि काशिफ मियां ने क्या गुल खिलाया। वाह वाह, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली एंड काशिफ। मार डाला रे, मार डाला। अबे काजल, बचाओ, बचाओ मेरे को, बचाओ। किस कलम ले बे तू, बचाओ। अबे किस कलम ले बे तू, जरा बचाओ। क्या बोल लिया था बे? टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, जज साहब प्लीज मेरी बात सुनो। अरे मैंने एक मिश्रा क्या छेड़ दिया, ये कसाई तो मुझे मसलने पर तुल गया। वो बोलना जो बोल दिया था वही बोल। मैंने क्या बोल दिया? मैंने तो सिर्फ एक शेर अर्ज किया था। अर्ज किया है, बकबे बकबे सुन बे। तेज हवा का झोंका आया, तेज हवा का झोंका आया, साथ में तेरी खुशबू लाया, तब मेरे दिल में ख्याल आया, अरे ये कसाई आज भी नहीं आया। अबे पानी आने की बात कर रहा है, पानी आने की बात कर रहा है, दिल जलाने की बात कर रहा है, हमने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, ये नहाने की बात कर रहा है। निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, कभी किसी को अपना बना के तो देखो, अरे मिलना चाहेंगे लोग हमेशा तुमसे, कभी किसी दिन नहा के तो देखो। नहीं, अबे ये तो कुछ भी नहीं है बे, अभी सुबह सुबह ताजा बकरा जिबा किया, VC पे एक गजल कह दी सुबह ही सुबह, ताजी गजल है, वो ही नहीं सुन रही है, ये भाग लिया। सुन बे भाग बे, सुन बे भाग बे। वो जो बकरा हमें अजीज था, वो जो बकरा हमें अजीज था, विषे कुर्बान हमने कर दिया, जिसे पालता कोई और है, विषे काटता कोई और है। और जो नसीब में थी हड्डियां तुम्हें मिल गई बनने मियां, जो नसीब में थी हड्डियां तुम्हें मिल गई बनने मियां, जिसे छांटता कोई और है, विसे बांटता कोई और है। और सीने का गोश्त देखकर चाप का गुमा होने लगा,
सीने का गोश्त देखकर चाप का गुमा होने लगा, जिसे सेकता कोई और है, जिसे चापता कोई और है। अरे अरे हमें तो गोश्त पकाना था आज, हमें तो गोश्त पकाना था आज, मगर इसने कर दिया निराश, वहां बोलता कोई और है, यहां पकता कोई और है। हमारी जमीन चुरा रही है, ये हमारी जमीन चुरा रही है, ले इस जमीन में कह के दिखा, इस जमीन में कह के दिखाए तो माने कि भाई दिल कलेजी मगज, जरा गौर फरमाइएगा जज साहिबान, कि दिल कलेजी मगज तो दे दिया विस्को, पाए पड़े पड़े कर रहे हैं डिस्को। टाइम प्लीज देखिए, इसके दो गजल मैंने सुन लिए, प्लीज मेरा एक शेर सुन लीजिए, इसके हालात से मिलता जुलता है। बगबे सुन बे, उनकी गली में गए, उनकी गली में गए, अजीब इत्तेफाक था, उन्होंने फूल फेंका, गमला भी साथ था। बाघ का शेर सुना रही था, ये गमले का शेर सुना के चला गया, इधर आइयो, नंबर नंबर कौन लेगा, नंबर कौन लेगा, जैसा जैसा नंबर देगा। मैं तो फिर से कहूंगी, वो लड़की को कहाँ छोड़ा है, उस हसीना को कहाँ छोड़ा है काशिफ मियां, जजिंग करने आए, दिल लड़ाने थोड़ी। तो आप करिए ना, मैं कर रही हूँ ना उन्हें जज, बहुत बेहतरीन जज कर रही हूँ उन्हें। और अली एक गुजारिश है, वो कैसे नहाए थे तुम अभी दोबारा? One extra mark you're gonna get for that. नहीं नहीं, बहुत दिन से, बहुत दिनों बाद आता है ना। और इससे ज्यादा नंबर नहीं है मेरे पास। 10 points. थैंक यू भाइयों, चक्कू दिखाया उनको, डरा दिया क्या तू? कसाईयों के मोहल्ले में जिंदगी निकाल ली, मैं जिंदगी निकाल ली भाईजान, बस जहाँ मैं रहता हूँ किंग सर्कल में, इस वक्त टीवी पे मुझे लोग देख रहे होंगे, अपने घर वाले पड़ोसी सब सुन रहे होंगे, कुरेशी सारे कुरेशियों के बीच में पलाऊ में, हम भी सेक कुरेशी है भाई, इसको दिखा रही है कसम, तिल्ली की कलेजी की फेफड़े की अवाथड़ी की उजड़ी की मान से बोल लो, भेजा निकाल के दूंगा, वे मान से कह रही हो, शेरों सारी मुझको सुना रिया, चक्को दिखा रिया, अब मैं भी दस दे रिया। सर थैंक यू। मैं तो आपने जो शेरो शायरियों का जिस तरह कूट के बिल्कुल बारीक कीमा बना के जो उसके कोफ्ते हमको नजर किए हैं, हमारी नजर, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, हम भी आपको दस देंगे यार, कमाल है सर, हम डरते हैं किसी से। थैंक यू, थैंक यू। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड परफॉर्मेंस ऑफ राउंड टू, गेस हु, बिखरे हुए शायर और उनके साथ उनकी बिखरी हुई शायरी, यानी कि शकील एंड उर्वशी, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शमा तो जला दो। वाह वाह, शायरी शुरू हो गई है, मोमबत्ती जलाई नहीं। वाह वाह। हाँ, मैं हूँ शकील भेलपुरी, मेरा तखल्लुस है जी। और ये हैं उर्वशी, तीखी मिर्ची। जी हाँ, ये अपने बातों से मिर्ची लगाती हैं लोगों को, तो आप कुछ इरशाद कीजिए। वो कौन है? ये मेरे मामू के बेटे हैं, बैंकॉक में रहते हैं। तो अर्ज किया है, कौन कहता है तेरे बाप के पास माल नहीं होता, अगर दाई को पैसे दिए होते तो तेरा ये हाल नहीं होता। इस बेइज्जती अफजाई का शुक्रिया। अब मैंने अर्ज किया है, मैं अर्ज क्यों करूं, मैं पैसे वाला, मैंने हुक्म किया है। जी लो भाई, बादलों पे काली घटा छाई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, कब की बात है ये? हुआ क्या था बताओ तो सही, हुआ क्या था, कितने लोग थे? जी ऐसे बोलते हैं। अच्छा मैं समझा, शायद पता नहीं, बादलों पे काली घटा छाई है। वाह वाह वाह, एक 5 रुपए का और कर दो यार, मैंने तुम्हारे शेर में कोई पंगा किया था? ठीक है ठीक है। बादलों पे काली घटा छाई है, मैंने सुना है उर्वशी तू गंदी फिल्मों में आई है। आप करना, वाह वाह कर कर। ठीक है, मैंने भी इसी जमीन पर एक शेर लिखा है। जमीन अपना अपना भाई, बता दिया मैंने, मेरे जमीन पे बंधे हुए कुत्ते भेड़ बकरियां सब बंधी हुई हैं, काट खाएगा फिर मुझे नहीं कहना। जी मैं शायरी की जमीन की बात कर रही हूं। उस पे तुम हल चला लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अर्ज किया है, करो।
बादलों पे काली घटा छाई है। वाह वाह वाह। माफ करना, मैं दाद देने में बड़ा कुत्ता हूँ, बस माफ करना। बादलों पे काली घटा छाई जी है। बादलों पे काली घटा छाई है। आहा। शकील, मैंने सुना है तू अपनी बीवी का ही भाई है। लो भाई, इस बेइज्जती के बाद अर्ज किया है कि कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। मैं तो नहीं कहती। देखो, मैं बेहोश करके आदमी को जलील करता हूँ। उसे पता भी नहीं होता, वो जलील भी हो रहा होता है। अरे यार, ये कयामत है। बात सुन लो, शेर सुनो। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। वाह वाह वाह। कल जो मैंने पहनी थी तेरे बाप की धोती है। क्या कह रहे हो तुम? अंधेरे में वही मिला, मैं क्या करता, बस जल्दी में था। मेरी भी एक शायरी सुनिए। मैंने लिखी है। अच्छा। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह, खुदा की कसम, तेरी जुर्रत है जो चढ़ा दी तूने। वरना किसी का बाप बकरी नहीं चढ़ा सकता पहाड़ पे। तूने बकरी की तबीयत मकड़ी जैसी कर दी तूने, वो भी चढ़ गई ढीठ की बच्ची। क्या बात सुनेंगे है? आप तुम्हारा ये बकरी जो तुमने चढ़ाई है ना, हालांकि बकरी चढ़ती नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ा दी तुमने। सुनिए, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह, अनथक बकरी है, थकती नहीं है भाई, चढ़ी जा रही है। क्या बात है, बकरी चढ़ी पहाड़ पे, वाह वाह। देखिए, इसने पेट्रोल पिया हुआ था क्या? तुमने बकरी चढ़ाई है ना पहाड़ पे, मेरा बाप नहीं चढ़ा, वो चढ़ गई। देखो भाई, क्या बात है, आप मेरी बकरी को पहाड़ पर चढ़ने देंगे? तू भी तो जल्दी चढ़ा, ऊपर जाके खड़े हो जा, घास की गड्डी देखा, खुद ही चढ़ जाएगी। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, फिर दूसरी तरफ से उतर गई। अबे ये शेर है, जब चढ़ी थी तो उतरी क्यों मनुष्य की बच्ची? ये कुत्ता किसका था जिसने तुम्हें काटा है? जब से तुम्हें ये बहकी बहकी बातें करने लगी हो। शेर उसको कहते हैं, शेर सुन, अदबी मैं सुना रहा हूँ। बोलो। पाकिस्तान से चले थे जीतने को और तुम्हें जिताने आए हैं। हाय, वाह वाह। पाकिस्तान से चले थे जीतने को और तुम्हें जिताने आए हैं, जीतने का तो है बहाना, दरअसल हिंदुस्तान के दिल में खुद को बसाने आए हैं। जजेस के हिसाब से कैसी रही सर्कस ब्रांड ऑफ शायरी? आपने उर्वशी और शकील की परफॉर्मेंस देखी, चलिए देखते हैं कि इनकी शायरी क्या रंग लाई हमारे जजेस के लिए। अर्चना, उर्वशी, वंस अगेन कहना पड़ेगा, आप सपोर्टिंग में थी, लेकिन इतनी बढ़िया सपोर्टिंग, आपने गरीब गंदे से शेर बोले जो बहुत जरूरी थे टू कीप दिस एक्ट अप। शकील, तुमने कमाल कर दिया। 10 points. वेरी वेरी गुड। पहले और सीधी सी बात तो ये है कि ये जिस तरह आपने अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया, जिस पे आपको इतना काबू है, आधी बात तो वही जीत लेता है। उर्वशी, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस बार भी आप सपोर्ट में ही थी, लेकिन ऐसे 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 इंसान को सपोर्ट करना ही एक बहुत बड़ी बात है, जो किस वक्त क्या बोल दे किसी को पता नहीं चलता, मगर मज़ा बड़ा आ रहा था इस बात का। आई मस्ट गिव यू 10 ऑल्सो। 10 points. तुम कब्र क्यों खोद रहे हो गालिब? तुम कब्र क्यों खोद रहे हो गालिब? ला फावड़ा मेरे को दे। मुझ जैसे शायर को आपने कब्र से बाहर निकाला, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीच में कहीं थोड़ा सा झोल था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, एक कम दूंगा मैं। 9. 9 points. सुनते सुनते हम पहुंच गए हैं मुशायरे की आखिरी दौर में। शायर VIP कहते हैं, शराब पर किसने है तोहमत लगाई, शायरों की शायरी बोतल से ही तो आई। पर शायर स्वप्निल का अंदाजे बयां निराला, उनकी शायरी के लिए नो मधुशाला। तो बुलाती हूँ सीरियस शायर स्वप्निल और बेवड़ा शायर VIP को। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शटर अप।
नमस्कार, आदाब सर, मैं हूं स्वप्निल जोशी और मैं हूं वीआईपी। अबे तू शायरी राउंड में शराब पी क्या है भाई? बिना पिए शराब में कभी शायरी नहीं बोल सकता। अरे मैं तो क्या आधी इंडस्ट्री नहीं बोल सकती। अरे तू चुप रहना मेरे भाई, तू कुछ मत बोलना, मैं सब तैयारी करके आया हूँ। शायर तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन मैं तैयारी करके आया हूँ। या खुदा क्या कमाल चीज़ बनाई है तूने ये शायरी, या खुदा क्या कमाल चीज़ बनाई है तूने ये शायरी। अबे मैं तो घर पे भूल गया मेरी शायरी की डायरी। तू घर पे भूल गया तेरी डायरी, तो कल करेंगे शायरी। अबे कल क्या करेगा? ए वीआईपी इधर इधर इधर। अबे जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। अबे दिन भर करता रहेगा तो धोएगा कब? या खुदा तेरी खुदाई में कंकर बरस रहे हैं, या खुदा तेरी खुदाई में कंकर बरस रहे हैं। अरे शकील भी लड़की लेके घूम रहा, मैं एक लड़की को तरस रहे। वीआईपी 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 खाली इधर इधर अकेली खाली खाली खाली। हेलो श्रुति, हाउ आर यू? आई लव यू। ए सॉरी सॉरी। जी चाहता है तेरी आंखों से पीलू। वाह वाह बोल। वाह 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 वाह। जी चाहता है तेरी आंखों से पीलू। वाह वाह नहीं बोला यार। अरे वाह वाह मेरे भाई। जी चाहता है तेरी आंखों से पीलू। कैसे पिएगा गिलास किधर है? अबे ऐसी थोड़ी होती है शायरी। मुझे एक सच्ची वाली याद आ गई, सच्ची वाली याद आ गई। बोल बोल बोल। मेरे खुलूस की बुलंदी पे निगाह है अर्शिया है पैमाना। वाह क्या बोला है? मेरे खुलूस की बुलंदी पे निगाह है अर्शिया है पैमाना। वाह क्या बोला है? अबे अगर ये लाइन तेरी समझ में आई हो तो मेरे को भी समझाना। मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या बोला है। अबे बेवड़े शायर ये सुन। घनी बरसात के बादल में मेरे यार सा कुछ है, घनी बरसात के बादल में मेरे यार सा कुछ है। काशी फॉर अली में प्यार सा कुछ है। वीआईपी वीआईपी। तेरी दोस्ती का साया मेरे दिल पे छाया, तेरी दोस्ती का साया मेरे दिल पे छाया। ए तू सेटल डाउन कर, मैं होकर आया। अबे ए अबे अबे एक मिनट इधर आ, मार्क्स तो ले ले। शटर डाउन। ये बड़ा मदरली है। चल खड़ा हो जा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओ माय गॉड स्वप्निल और वीआईपी, अगेन योर एंट्री वाज गुड, लेकिन उसके बाद जो वीआईपी तुमने किया वो तो मतलब कमाल ही था। थैंक यू। अभी तक आपको आपके बारे में लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ मिमिक्री कर सकता है। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अभी तुमने साबित किया है कि तुम सिर्फ मिमिक्री नहीं कर सकते, तुमने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी ऑफ अ ड्रंक, बहुत ही बेहतरीन। सो वी आई पी एंड स्वप्निल, आई दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव ओनली मोर मार्क्स फॉर वीआईपी। सतीश जी, प्रॉब्लम ये होता है श्रुति के जब आप अर्चना से कहती पहले अपने कमेंट्स दे तो ज्यादातर वही बोल देती जो मैं बोलने वाला था। मैं कसम से आज वीआईपी को दाद देने वाला था उसकी एक्टिंग की, क्योंकि मिमिक्री तो हम सब देख चुके हैं और बहुत अच्छी मिमिक्री ये करते हैं, लेकिन आज इन्होंने एक्टिंग भी की और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात वो लगी कि वॉट एवर ही डिड वॉज वेरी एप्ट। और उसमें जो बीच में जो आप एक पंचलाइन यूज कर रहे थे ड्रॉप करके, वाह वाह नहीं बोला। वो उसकी टाइमिंग कितनी, वो टाइमिंग ने मेरा दिल जीत लिया। मैं आपको 9 दूंगा। 9 पॉइंट। मैं इस आइटम में खूबी क्या है, जैसे कासिब और अली इन लोगों ने किया है ये कैरेक्टर और शायर, बाकी लोगों ने
सिर्फ शायरी की, शायर बन के आए और उन्होंने शायरी की, आप कैरेक्टर के साथ शेर व शायरी की, तो परफॉर्मेंस पे आप लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा किया। मैं इन दोनों के साथ सहमत हूँ, जो कुछ इन्होंने कहा बिल्कुल बढ़िया कहा, और मैं भी आपको 9। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू श्रुति, थैंक यू जजेस, थैंक यू स्टूडियो ऑडियंस, थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट इन लाइन, एक पहुंचे हुए शायर और एक शायर थकेला, भाई देखते हैं कौन है गुरु और कौन है चेला। वेलकम चीखता चिल्लाता सुनील एंड कान बचाता किरण कर्माकर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। सड़क पार करा दूं? ये सुनील साइलेंट सर तुम्हारा नाम है क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये साइलेंट सर क्या है? क्या है ना कि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत चिल्लाता हूँ, इसलिए मैंने साइलेंसर लगा लिया है। नहीं, मेरा भी बहुत नाम हुआ करता था एक जमाने में। अच्छा, किरण बेनामी। बेनामी? बेनामी ये नाम काफी सुना हुआ लगता है। आप वही हो ना, मशहूर पापड़ बेचने वाले सेल्समैन? क्यों मेरी लिज्जत मिट्टी में मिला रहा है तू? देखो क्या है, उम्र के हिसाब से अब मेरी शायरी भी मेरी तरह चल नहीं रही है। अच्छा, तो लग ही रहा है। मैंने सुना तुम्हारी शायरी दूर दूर तक चलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है, मेरी शायरी दूर दूर तक चलती है। क्या है, मैं इंजन की धड़कन हूँ, साइलेंसर का फायर हूँ, लंबी रेस का टायर हूँ, और ट्रक के पीछे दिखने वाला शायर हूँ। ट्रक? ट्रक हमको भी ये कला सिखा दो, ट्रक के पीछे पड़ने वाली। तो सिखा देंगे, लेकिन इसके पहले ये बताओ कि आपने अब तक कुछ लिखा है? अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। तेरे दुष्ट के कुफ्र में कुमार का खुलूस है। हाँ। वो मेरे गुफ्तगू के अब्र शबाब में चला जाएगा। ये शेर पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले का ट्रक 3 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अरे कुछ ऐसा बोलो, कुछ रोमांटिक शेर लिखो जो समझ में भी आए। श्रुति को देख के कौन मेरे दिल में खिलते हैं फूल, चलती है ट्रक उड़ती है धूल। You bloody fool. अच्छा दूसरी शायरी सुनो। सुना हो? कि मैं जिस पर मरता हूँ वो ऐश्वर्या का रूप है, मैं उसका टायर हूँ, वो मेरी ट्यूब है। इसी तरह से प्यार का इजहार करता रहेगा तो तुम्हारी ट्यूब में कोई तीसरा ही हवा भर जाएगा। तो मैं कैसे शायरी करूं कि लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाए? जो मैं कर सकता हूं ऐसी कुछ करके देख। एकदम गहराई वाली शायरी? गहराई वाली। ठीक है तो मैं करता हूं कि तेरे गेसों में। अच्छा है गेसों का मामला। तेरे गेसों में मेरे गेंदे के फूल खिलेंगे। हॉर्न प्लीज। ओके टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। जॉनी भाई, ये परफॉर्मेंस देखकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किरण भैया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा मामला जो है, इससे पहले काफ़ी अच्छे लाफ्टर मिले हम लोगों को, ये मार्क्स मैं आपके परफॉर्मेंस के लिए दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। 7 पॉइंट। अर्चना, सुनील और किरण, मैं भी कुछ हद तक सहमत हूँ जॉनी से, और तुम्हारे साथ बहुत मेरी सहानुभूति है क्योंकि तुम्हें एक एहसास है कि तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो गया है। थोड़ा एक कॉमेडी सर्कस के स्टेज पर इतना बढ़िया, इतने बढ़िया परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं कि उनके मुकाबले में भी वीक है, और तुम्हारे खुद की पहली परफॉर्मेंसेस से भी ये वीक है। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ लोचा, सो आई विल ऑल्सो गिव यू 7 पॉइंट। हो सकता है आपने इतने लाफ्टर्स नहीं जगाए जितने जगाने चाहिए उन लोगों के मुकाबले जो आपसे पहले आ चुके हैं, और यकीनन इनका कहना भी सही है कि आपका परफॉर्मेंस आज के दिन ज़रा मुकद्दर आपका इतना साथ नहीं दे रहा है, मगर मुझे सुनील आप आज सपोर्ट में थे ऐसा लग रहा था, और ये अपनी परफॉर्मेंस लेवल पर पूरा उठा के ले जा रहे थे, इसलिए आई वॉन्ट टू बी लीनियंट विथ यू, आई विल गिव यू 8।
8 points. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Sunil. Thank you, Kiran. Thank you, sir. 8 हफ्तों में हम इन सब से इतने अटैच्ड हो गए हैं कि किसी को भी यहाँ से जाना नहीं देना चाहते. सबका अपना अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, लेकिन ये सब एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है आप सबको खूब हंसाना. बट द ट्रूथ इज़ ये एक कॉम्पिटिशन है और इसीलिए ट्रेडिशन है कि किसी एक को आज बाहर जाना ही होगा. कौन होगा वो, ये हम जानेंगे हमारे एलिमिनेशन राउंड में. आइए जोड़ीज. उर्वशी शकील, किरण सुनील, अली काशिफ, स्वप्निल एंड वीआईपी, आप चारों में से आज कौन इस रेस से बाहर हो जाएगा? आज आप चारों की परफॉर्मेंसेस एक से बढ़कर एक रहीं, लेकिन जिस जोड़ी को हमारे जजेस और ऑडियंस ने यूनैनिमसली सराहा है वो है अली एंड काशिफ, हु स्कोर्ड द मैक्सिमम पॉइंट्स. स्वप्निल एंड वीआईपी, यू बोथ हैव ऑलवेज बीन फाइटर्स. आप हमेशा हर एपिसोड हर राउंड में कुछ नया कर दिखाते हैं. उर्वशी एंड शकील, आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू कि आप हमेशा से ही सबके फेवरेट रहे हैं, जजेस के भी और हमारे ऑडियंस के भी. किरण एंड सुनील, कमबैक के बाद आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ सिर्फ बढ़ता रहा है. ऑल थ्री ऑफ यू हैव गिवन ईच अदर अ वेरी वेरी टफ फाइट. आज कॉमेडी सर्कस में एक बहुत ही पॉपुलर जोड़ी इस रेस से बाहर हो जाएगी. स्वप्निल वीआईपी, उर्वशी शकील, किरण एंड सुनील, तीनों जोड़ी इसका टेंशन थोड़ा बढ़ता जा रहा है. इन तीनों में से कौन सी जोड़ी के स्कोर्स उन्हें बाहर जाने का ऑर्डर दे रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किरण एंड सुनील, आज हम आपको यहीं पर अलविदा कह देंगे एंड यू विल नॉट बी गोइंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉमेडी सर्कस. लेडीज एंड जेंटलमैन जजेस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर किरण एंड सुनील. तो स्वप्निल वीआईपी, उर्वशी शकील एंड अली काशिफ, आप एक बार फिर इस मंच पर आकर अपने जलवे दिखाएंगे अगले एपिसोड में. लेकिन आज गुड बाय कहने से पहले किरण, हम सबको प्लीज बताइए कि आपकी अब तक की दूसरी जर्नी कैसी रही? बहुत कमाल की रही. मैंने सोचा नहीं था जब मुझसे पूछा गया था इस शो के लिए, तो मैंने कहा स्टैंड अप कॉमेडी दूर दूर से कहीं देखी है और मैं करूँगा. मुझ पर मैंने कहा चलो जब तक नहीं जम करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा तैरना आता भी है नहीं. और मैंने शुरू किया, शुरू इसके साथ किया मैंने. और शुरुआत में यही था हमारे बीच में कि लेकिन बाद में ट्यूनिंग हुई, यहाँ तक पहुँचे, इतने दिग्गजों के साथ मैं खड़ा हूँ. और मैं इनके परफॉर्मेंस को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ और कितना कम पड़ गया हूँ. तो जहाँ ये बात मुझे समझ में आती है कि मैं कम पड़ गया हूँ, तो ये आगे निकल जा रहे हैं, इसमें मुझे खुशी है और मैं खुश हूँ. And I'm happy. Thank you. लेकिन किरण, मैंने हमेशा नोटिस किया एंड आई वॉन्ट टू से दिस राइट नाउ दैट मैं जब भी तुम्हें यहाँ देखती थी, तुम कभी इस पिलर से लिपटे हुए होते थे, शकील की परफॉर्मेंस देखकर, कभी अली की, स्वप्निल तुम्हारी, इतनी ज़्यादा सपोर्ट देते हो तुम अपने बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को. आई मस्ट से दैट इज रियली समथिंग जो तुम अपने दिल से करते हो. यू आर रियली अप्रिशिएटिंग एंड आई थिंक ट्राइंग टू लर्न ऑल. थैंक यू. सुनील, बस मैं क्या बोलूँ, पहले अच्छा बोला होता तो ये स्थिति ही नहीं आती. लेकिन अभी क्या करूं, बोलना पड़ेगा. समय होता है, समय का काल चक्र बहुत भयानक था आज. कम से कम जाते जाते ऐसी कठिन परिस्थिति में कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर लूं, बाद में पता नहीं मिले ना मिले. लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं,
फिर मैं आऊँगा, अच्छा करूँगा, क्योंकि काट सका है कौन समय की धार कटारी से, सबके अपने दिन आते हैं बारी बारी से। वाह वाह वाह। तो फिर मेरे दिन आएंगे और आऊँगा तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाऊँगा।